पुणी आईन को खोला चैलेंज बर्बरतार सबु सीमा पार कले किछि युवक वृद्ध बापा ओ पुओ को अमानुषिक भावे माड़ मारिले माड़ एभली मारी जे आपण देखि पारिबे नाही कि आमे भी देखाई पारिबो नाही काहीकि संगठन रे मिसी काम करू नाहांती एतिकी कथारे ठेंगारे पिटी चाले छंती असभ्य युवक पशु को भी एमिति केही मारि नथिबे उफ कि निर्दय एई मनीष माने आपण भी भाभी भाभी चिंताग्रस्त होइजिबे। दर्शक बंधु एभली माड़ मारि छंती जे पुओ बेहोश होइ जाउछि तांको उपरे पानी ढाली तांको उठाई पुणी माड़ मारुछंती एही अमानुषिक माने एही वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल हेबा परे जिए देखुछि देह सितेई जाउछि भयरे नुहे आज्ञा बरंग रागरे। एही घटना घटिछि बोलगड़ ब्लॉक कड़ब गाँव रे एते बड़ घटना घटी जाइछि हेले पुलिस प्रशासन निकटरे कौनसी अभियोग हेला नाही तेबे वीडियोटी देढ़ मास तलर आपणकर मने थिबो दर्शक बंधु किछि दिन तले बेगुनिया थाना अंतर्गत अभिमानपुर गाँवर आदिवासी युवक सत्यव्रत नायकंकु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच बा मानववाद संगठन रे न मिसिबारु तांकु बाड़ेई बाड़ेई मारि दिया जाइथिला। परे खोर्धा सदर थाना अंतर्गत करड़ गाड़िया एक जंगल मझेरे उड़ी देइथिले किछि युवक बेगुनिया पुलिस खबर पाई मामला ता आड़ू रुजु करी छह जनों को गिरफ करी थिला हेले मुख्य अभियुक्त को पुलिस आज जाए भी गिरफ करी पारी नाही आउ वर्तमान वायरल होउथिबा एही वीडियोटी सही दिनर बोली जना पड़ी किछि युवक बोलगड़ ब्लॉक कड़ब गाँवर मागुणी नायक एवं तांकर पुओ को कोठ घर भितरे रखी जोर जबरदस्त आदिवासीक संगठन रे मिसिबाकू बाध्य करिछंती एहाकू बापा पुओ प्रतिवाद करिबारु घर भितरे बर्बरतार सबु सीमा टपी जाइछंती एई लोकमाने आउ माड़ मारिछंती बापा पुओंकू माड़ एमिति मारिछंती जे मानिनियंतु जीवन जाउ जाउ अटकी जाइछि पेट पिठी मुंड छाती हाथ गोड़ सबुठी बाजिछि ठेंगा पहार चित्तर करुथिले पुओ जनक बापा हात जोड़ी बसी रहिथिले हाँ करी वृद्ध बापांक पिठीरे देहरे एमिति माड़ मारुथिले एही युवक माने आपणंक छाती भी थरी उठिबो किछि समय पै लागिबो सते जेमिति ए माड़ बिना दोषरे आपणंकु बाजुछि जेउ वीडियो बे सोशल मीडिया रे वायरल हेउछि एवं जहाकु नै चर्चा भी खूब जोर चलिछि तेबे मानववाद संगठन बा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंचर भयरे सेमाने ए जाए कौनसी थाना रे अभियोग करिनथिबा बेले भयरे मध्य कहा आगरे माड़ खाइबा कथा भी प्रकाश करिनहांती एठी संगठन निरीह आदिवासी मानंकु हाते मानववाद परिवर्ते माओवादीक परि कार्यकलाप करुथिबा अभियोग होइछि भेणेकी अल्प दिन भितरे गत अगस्त 2 तारिख दिन ये मानस दासर परतन मानस निर्देश तार नेतृत्व में किसी गुंडामी लोक मूँ से सेटिंग करी मुझे भेणे की निर्मम भाव में बाड़े की मारिकी से पोड़ी देते करड़ गाड़िया जंगल भितर आज आपण मैंने जो भिडियो टी देखुं से भिडे तारी निर्देश सब कार्यक्रम चली भाव में निरीह आदिवासी लोक मूँगा संगठन में मिसाइप जोर जबरदस्ती करुँच जो मैंने मिसुना जो मैंने दल को अवज्ञा करुँचा ये भाव निर्मम भाव निर्दय भाव से भाई भाव में गाई गोर भाई पिटिकी से मार्च तेणु यार विहित कार्यानुष्ठानी मुझे आपण मध्यम प्रशासन को ये अनुरोध करुच्ची कार्य करुवर मुख्य नायक जे मानस कौन से मत गिरफ्त करा विरुद्ध आईनगत कार्यानुषान निजाऊ से निरीह आदिवासी मानू सरल आदिवासी मानक नहीं युवक मानकर विभ्रांत युवक मानक नहींक्र से आमर राज्य गोटे मानववाद संगठन नुहे से माओवादी संगठन तैयारी करुँच तेणु आगामी दिन में प्रशासन मुंडार कारण हम कि नहीं था से संगठन लोक मैं कौ संगठन मानववाद संगठन लोक मैंने डाक नहीं गले ताध्यम से मैंने करड़ गाड़ा ठीक नहीं पहुँचे देते पहुँचे आमको आंठुआ बसइले आंठुआ बस बर्तमान पुह को मत बाप पुह को दीज को आमको आंठुआ बसइले ताध्यम से आ गोटे घर को लेकिन गले से
କୋଠଘର ଅଛି, ସେଇ କୋଠଘର ମଧ୍ୟରେ 10-15 ଲୋକ ଚାରିପଟ ଯାକ ଚେକିକି ରହିଲେ, ସେଠି ବି ଆମ ଦେହରୁ ଜାମା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ମଧ୍ୟରେ ଏଠୁ ଆମକୁ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପିଟା ଆଉ। ଆଉ ତମେ ସଂଗଠନରେ ରହିକି ତମେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛ ଘରେ, ଏଇଭଳିଆ କହିକି ଆମକୁ କଷ ମାଡ଼ ଦେଲା, କଥା କହିବାକୁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ କଥା କହିବାକୁ ବି ଆମକୁ ଦେଲେନି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ଏଠି ତମେ ଯଦି ମାରିକି ପକେଇଦେଲେ ବରଂ ତମକୁ କେହି ତମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି, ତମ ବାପ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ବାଡ଼ୁ ବାଡ଼ୁକୁ ଯାହା ହେବ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲେ, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଆମେ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ କହିଲେ, ପରେ ସଂଗଠନରେ ରହିଛ ତ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନ, ଶୋଇପଡ଼ିଛ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କହିକି ସେମାନେ ଏଠୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଥାନାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେନି, ଅଭିଯୋଗ କଲେନି ଥାନାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନସ ଦାସ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଓକିଲ, ତେଣୁ ଆମ ନାଁରେ ଅଛି କେସ। ଥାନାର ଗୋଟେ ହାଙ୍ଗାମା ଥିଲା, ସେ ସଂଗଠନ ହାଙ୍ଗାମାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛୁ, ତେଣୁ ସେ କେସ୍ଟା ଆମ ଉପରେ ବୁକିଂ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ରହିଗଲି। ବେଗୁନିଆରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ଦାଦାଗିରି। ଏଭଳି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଏଭଳି କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ? ଅନ୍ୟକୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ? ଆଇନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଖୁବ୍ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଚେତିବେ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।